क्या हाल है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे स्काई ब्लॉक प्लैनेट। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए भैया जय को बुला लेता हूँ। भैया कहाँ आया, आ जाइए। ओए ऑगी भाई, तो इस चैनल में भी तो शाउट आउट देना चालू कर। ठीक है भैया, पहले शाउट आउट दे देते हैं। तो भाइयों, आज से इस चैनल में भी शाउट आउट चालू है, कमेंट करते रहिएगा ताकि आपका नाम भी शाउट आउट में आए। तो भाई पहला शाउट आउट है रेनिमेटर का, ब्रो गो टू बैक नेदर क्लासल और प्लीज शाउट आउट मी। और रानी वांडे बोलते हैं योर वीडियो नाइस। दूसरा शाउट आउट है प्रथम मिश्रा का, शाउट आउट प्लीज, आई लव योर चैनल गेम पोर्टल, गेम पोर्टल 2.0। फिर अगला शाउट आउट है सुषमा परियार का, शाउट आउट मी। फिर सीमा राउटेला पंकोटी बोलती हैं प्लीज शाउट आउट मी। तो लीजिए भाई, आप लोगों का शाउट आउट हो गया। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले बार आ जाएगा। तो भैया हमको बनाना है आज एंचेंटमेंट टेबल, तो उसके लिए हमारे पास डायमंड तो पहले से ही थे और मुझे विलेज में ऑब्सीडियन भी मिल गया था जहाँ हम पिछले बार गए थे। तो अब बस बुक्स की ज़रूरत है। बुक्स के लिए पहली बात हमें पेजेस बनाने होंगे, तो पेजेस बनाने के लिए वो सामने आपको शुगर केन दिख रही है, तो वो शुगर केन हमें लाना होगा। फिर हम खाउस को मारकर उसमें से लेदर लेंगे और बुक्स बनाएंगे, उसके बाद हमारा एंचेंटमेंट टेबल बन जाएगा। तो भैया हम यहाँ पहुँच गए, तो जल्दी से इन शुगर केन्स को काट लेते हैं और पूरे शुगर केन्स ले जाएंगे और घर में इन्हें लगाएंगे भैया। हालांकि हमें बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक प्लैनेट ढूंढा है जो कि बुक से बना हुआ है, या तो बोला जाए बुक शेल्फ से बना हुआ है। वहीं पर हम अपना ये एंचेंटमेंट टेबल प्लेस करेंगे। ओ यागी, क्या कहा, प्लैनेट वो भी बुक शेल्फ का, ऐसा पॉसिबल होता है क्या मुन्ना? हे भैया, आप भूल रहे हैं कि ये स्काई ब्लॉक प्लैनेट है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ आपको सभी चीज के बने हुए प्लैनेट मिलेंगे, जिसमें से आपको वाटरमैन के प्लैनेट और आपको पंपकिन के प्लैनेट भी मिलेंगे, और साथ ही साथ ग्लोस्टोन के प्लैनेट तो आप देख ही रहे हैं, तो बुक सेल्फ के प्लैनेट क्यों नहीं हो सकते है भैया? ओए मुन्ना, तो क्या करने जा रहा, काउ मार दी तूने। अरे भैया मुझे लेदर की जरूरत है, इसलिए इन्हें मारना पड़ा। अरे ये क्या, इन्होंने तो हुड़दंग मचा दिया। मैं गेट खोल के क्या गया, ये तो उछल कूद करने लगे। तो हम पहले पेजेस बना लेते हैं, उसके बाद बुक बनाएंगे, बुक बनाने के बाद हमारा एंचेंटमेंट टेबल पूरा हो जाएगा भैया। अरे वो आगी बढ़िया है, हमारे पास तो अब एंचेंटमेंट टेबल भी हो जाएगी। अब मुझे दिखाना तो कि कहाँ है तेरा वो प्लैनेट जो कि पूरा बुकशेल्फ से बना है, मैं भी तो देखूं। अरे भैया यही नहीं, उसके पास आपको लैपिस वाला प्लैनेट भी मिलेगा, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी एंचेंटमेंट में। तो मैंने वहां तक पहुंचने का भी रास्ता बना के रखा हुआ है, तो चलिए हम चलते हैं इसके बाद। बट केवल एक ही प्रॉब्लम है भैया, बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारा एक्सपी लेवल काफी कम है। तो मुझे एक एक्सपी फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिससे हमें एक्सपी मिलता रहे, उसको मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि हमने पहले जो एक्सपी फॉर्म बनाया था वो स्पॉनर के पास में था, पर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है भैया, इसलिए हमें बड़ा वाला एक्सपी फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसमें खूब सारे मॉब स्पॉन होने चाहिए, वैसे ही जैसे हमने अपने सर्वाइवल सीरीज में बनाया था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो बुक शेल्फ वाला प्लैनेट। वहाँ जाने के लिए मैंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, देखिए, और यहीं से आपको वो लैपिस वाला प्लैनेट भी दिखेगा। तो चलिए भैया आपको दिखाता हूँ। इस कोल वाले प्लैनेट को पार करते ही आपको वो प्लैनेट दिख जाएगा जो कि बुकशेल्फ से बना हुआ है। बस भैया हमें कुछ बुकशेल्फ हटाने होंगे और उसके बीच में इसको प्लेस करना होगा। अरे वाह मुन्ना, मुझे यकीन नहीं आता, ये प्लैनेट तो वाकई बुकशेल्फ से बना हुआ है। भैया
इस सीरीज में हमें रिसोर्सेज की कमी तो नहीं होने वाली है, हमें जो भी चीज चाहिए यहाँ पर उसका एक ना एक प्लैनेट तो मौजूद है। तो अब ठीक है, मैंने काफी जगह बना ली, अब बीचों बीच इसे प्लेस कर देते हैं। तो देखिए भैया, मेरा एंचेंटमेंट टेबल तैयार है। अब इसमें हम एंचेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें लेबिस की जरूरत पड़ेगी, और जितने बुक्स हमने हटाए उससे हमको एक स्टैक पूरा बुक का मिल चुका है। तो इसके लिए जो जरूरी चीज है पहले उसे ले आते हैं, यानी कि लेपिस को। भैया ओए मुन्ना, सही कहा, पहले लेपिस ले आते हैं। अरे वाह मुन्ना, ग्लोस्टोन भी है, इसे हम जरूर ले जाएंगे क्योंकि हमको अपने घर को भी तो सजाना है। हाँ भैया, हम ले जाएंगे, तो पहले लैपिस को निकाल लेते हैं, जितना हो सके उतना लैपिस निकाल लेते हैं, फिर इससे हम एंचेंट कर पाएंगे। भैया देखिए, काफी लैपिस मिल गया हमें। अरे तूने सही कहा मुन्ना कि यहाँ पर हर एक रिसोर्सेस है, बस तुझे ढूंढने की देर है। हाँ भैया, अभी तो केवल आपको मैं एग्जाम्पल के लिए एंचेंटमेंट करके दिखाऊंगा। तो पहले ये ग्लोस्टोन मुझे अच्छा लग रहा है, इसे निकाल लेते हैं। अब ठीक है, हमारे ग्लोस्टोन भी इकट्ठा हो गए, तो अब आपको एंचेंटमेंट करके दिखाता हूं। ये रखा मैंने बुक और ये रखा मैंने लैपिस, लेकिन देखिए हमें पूरा लेवल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा एक्सपी लेवल कम है। तो ये देखिए हमें मिला एक्वा इन्फिनिटी। अब दूसरे बार ट्राई करते हैं, तो अब मुझे मिला प्रोटेक्शन वन। कम से कम प्रोटेक्शन वन से हमारा जो आर्मर है उसे हम एंचेंट कर सकते हैं भैया। तो उसे एंचेंटमेंट करने के लिए मुझे सबसे पहले एनविल बनाना होगा। अब जल्दी से घर जाके पहले एनविल बनाने की शुरुआत करते हैं, और उसके लिए हमें खूब सारा आयरन चाहिए होगा भैया। तो शायद हमें आयरन के प्लांट जाकर वहाँ थोड़ी माइनिंग करनी पड़े, तब हमें और आयरन मिलेगा, क्योंकि एनविल बनाने के लिए हमको 3 ब्लॉक्स ऑफ आयरन चाहिए होता है, यानी कि 27 आयरन इंगेट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा 3 या 7 आयरन इंगेट और लगेंगे। तो पहले देख लूँ कि मेरे पास कितना आयरन है, केवल 24 है। तो ज़रूरी चीज़ें पहले यहाँ वापस रख देता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे माइनिंग करने के लिए। हमें ढेर सारा आयरन चाहिए भैया, ताकि हम एनविल बना पाए। तो भैया अब चलते हैं आयरन निकालने के लिए। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है भैया कि सबसे पास में हमारा आयरन का प्लैनेट ही है, तो उससे जाकर सबसे पहले हम आयरन निकाल लेते हैं। अरे मुन्ना, हमें ग्लोस्टोन भी तो लगाना था, तू भूल गया क्या? लगाएंगे भैया, सब करेंगे, पहले हम आयरन तो ले आए, सबसे पहले हम एनविल तो बना लें। तो ये रहा हमारा आयरन का प्लैनेट। तो देखिए हमारे घर के कितने पास था ये प्लैनेट। अब जल्दी से यहाँ माइनिंग की स्टार्ट करते हैं। Run. Run. तो भैया हमने जितने आयरन की चाहिए थी उतनी की माइनिंग कर ली। अब जाके इसे ब्लास्ट फर्नेस में लगा देते हैं, ताकि इसमें से हमें आयरन गेट मिल जाए। ओहो, फिर से मैंने दरवाजा खोल दिया और ये चिक्स अंदर ही आ गए, पर इस बार मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत गुस्सा कर दिया है मुझे, इनको एक एक करके मारूंगा। कैसे उछल कूद कर रहे हैं, बदमाशी करते जा रहे हैं, मरो। मर गए, देखा ऑगी के घर में घुसने का नतीजा। अब हम आयरन ओर को इस ब्लास्ट फर्नेस में लगा देते हैं, ताकि हमारा जल्दी से इंगेट बन जाए। 24 इंगेट हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ पर 5 रख देता हूँ। अभी हमारे पास एक स्टैक और है, उसे मैं उस फर्नेस में डाल के रख देता हूँ। सब एक साथ बनते रहेंगे, तो इस फर्नेस को भी खोलता हूँ और इसमें 32 रख देता हूँ। ये देखिए 64, अभी ने हाफ करके 32 इसमें रख देता हूँ,
और वापस ब्लास्ट फर्नेस में 32 रख देता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसमें से 5 इंगेट तो मुझे वैसे ही मिल गए, तो इसे रख लेता हूँ। अब हमारे पास टोटल 29 इंगेट हो गए हैं, तो इससे 3 ब्लॉक तो बन ही जाएंगे, तो 3 ब्लॉक बना लेता हूँ। अब देखता हूँ कि एनविल बनाने के लिए हमें और कितने इंगेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ गया एनविल, ये रहा एनविल, तो हमें 2 और इंगेट की ज़रूरत पड़ेगी भैया। देखता हूँ ब्लास्ट फर्नेस में तो बन भी गए होंगे, तो ये रहे। अब जल्दी से एनविल बना लेता हूँ, तो एनविल भी बन गया। अब मुझे एनविल को रखने का कोई अच्छा जगह ढूंढना होगा। ओए मुन्ना, बीच वाले जगह को खोद के उसी के बीच में रखना, इसे नीचे मत रखना, वरना फालतू हमें एक कारपेट को तोड़ना पड़ेगा। सही कहा भैया, तो मुझे ये जगह ठीक लग रहा है, तो यहाँ का बोर्ड हटा के मैं इसकी जगह एनविल रख देता हूँ। यहाँ पर हमारा एनविल सही लगेगा, तो जाओ भाई एनविल, यहाँ सेट हो जाओ। अब मैं आर्मर निकालता हूँ और आर्मर को एंचेंट करते हैं। कहाँ गए मेरे बुक्स और आर्मर? अरे रुक जा मुन्ना, ये काम मुझे करने दे, अरे मैं भी तो सीखूं कि इसे करते कैसे हैं। तो पहले मैं आर्मर निकाल लेता हूँ, यानी कि चेस्ट प्लेट, उसके बाद ये बुक निकाल लेता हूँ। अब जाता हूँ एनविल में, अब इन्हें रखता हूँ। तो ये हो गया और ये हो गया। अरे ये क्या, ये क्यों नहीं हो रहा है मुन्ना? अरे क्या ये पिकैक्स में लगेगा? अरे क्या ये तलवार में लगेगा? अरे क्यों नहीं हो रहा है मुन्ना, बता तो सही। हे भैया, पहले आप ट्राई कर लीजिए जो आपको ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। अच्छा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये तलवार में लगता है। तो अब मैं तलवार में इसे एंचेंट करता हूँ। नहीं, पहले मैं ऐसे रख के देखता हूँ। अच्छा, तो ये ऐसे बनता है। हाँ भैया, आपने ऑर्डर गलत रखा था, इसलिए नहीं बना था। ले मुन्ना, अब तो मैं भी एंचेंट में सीख गया। बढ़िया है भैया, काफ़ी काम आएगा। अब अगले बार हम एक्सपी फॉर्म बना के और अच्छा अच्छा एंचेंटमेंट्स लेंगे भैया। तो भाई ये था वीडियो, होप भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 और गेम पोर्टल 3.0 तीनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।